हेलो बच्चों, अपनी हायर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 10 के लिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अतः सभी बच्चे कक्षा 10 के जो गुरु में जो है बाजार से जाकर किताब खरीदेंगे पहले, इसके बाद जो वीडियो डाली जा रही है उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। आज हम अध्याय 1 में महत्तम और लघुत्तम सिखाएंगे आपको। महत्तम माने एचसीए, कुछ एचसीए पहले भी अपने सिलेबस में दो विधियाँ हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी है यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन विधि। तो आज हम महत्तम निकालने की या एचसीएफ निकालने की यूक्लिड एल्गोरिथम या सतत वर्धक विभाजन विधि आपको सिखलाने वाले हैं। तो जिनके पास पुस्तक हैं वो प्रश्नावली 1-2 पहले सवाल का पहला सवाल 135 और 225 का यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से एचसीएफ निकालने की विधि देखेंगे। तो अपने पास सवाल है 135 225 यूक्लिड के अनुसार। छोटी क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा होगा भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेष का। यदि हम इसे संकेतों में प्रदर्शित करें तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए अपना भाज्य है, बी भाजक है, क्यू भागफल है और आर शेष का। तो सबसे पहले यूक्लिड सतत विभाजन विधि में जिन संख्याओं का महत्तम हमें निकालना है या एचसीएफ निकालना है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे। तो 225 को विभाजित करेंगे 125 135 से, 135 बता देंगे, फिर जो शेष पर बचेगा उसे हम भाजक बनाएंगे। वो जो पूर्व भाजक है उसे भागफल भाज्य बनाएंगे, फिर विभाजित करेंगे 90-90 चार बता दिया, फिर इस शेषफल को फिर भाजक बनाएंगे, जो पूर्व भाज्य भाजक है उसको भागफल बनाएंगे, एक भाज्य बनाएंगे, फिर वो भाज्य बनाएंगे 41-90 पूरा पूरा भाग हो गया। तो हमें शेषफल मिला 0। तो जिस संख्या से भाग देने के बाद हमें शेषफल 0 प्राप्त हो वो संख्या 135 और 225 का एचसीएफ होगी। अब यूक्लिड सतत विभाजन विधि या एल्गोरिथम विधि में हम चरण देखेंगे। सबसे पहले भाज्य अपना 225
भाजक है 133, कितने बार विभाजित हुआ, एक बार, ये शेष पर कितना बचा 90, अब 133 भाज्य होगा दूसरे पद में, नब्बे भाजक होगा, एक भागफल होगा, पैतालीस शेषफल बचा। तीसरे चरण में 90 भाज्य बन जाएगा, 45 भाजक होगा, दो बार विभाजित होगा, शेष भाग दिया। तो अंतिम जो भाजक है, ठीक है, 45 जिससे शेष पर हमें शून्य प्राप्त हुआ, वो 135 और 225 का मासा या एच सी है होगा। तो हमारा उत्तर 145 होगा। इस प्रकार बच्चों आपको सतत विभाजन विधि या यूक्लिड एल्गोरिथम विधि का ज्ञान हो गया होगा। अब आप अपनी किताब में इसका क्वेश्चन नंबर 2nd और 3rd करके देखेंगे। कल हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।